हमारे सांसद शांता कुमार जी हैं, उनका कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं पालकपुर के। उन्होंने विकास तो बहुत करवाया है, लेकिन एक बेरोजगारी के मुद्दे में वो थोड़े पीछे हट गए हैं। सांसद शांता कुमार जी का 400 का कार्यकाल झारखंड के ऊपर तो ठीक ही रहा, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका 5 साल का कार्यकाल, 4 साल का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। मतलब हम चाहेंगे कि अगर उम्र का तकाजा ना बने तो फिर ये ऐसा सांसद रहे तो कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं। नमस्कार, मैं कविता हिमाचल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। नेता नहीं जनता बोलेगी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सांसद जी का 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं पालनपुर से हूँ। और हमारे जो सांसद जी हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? हमारे सांसद जी शांता कुमार जी हैं, उनका कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं पालनपुर के लिए। पालनपुर के लिए उन्होंने जो सौरभवन बिहार का योगदान दिया है, बाकी भी मैं उनके कितने काम आपको गिना, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया अपने टाइम में। हम चाहते हैं कि कार्यकाल उनका इतना अच्छा रहा कि वैसा ही नेता कोई आए जो हमारे पालनपुर का विकास करे। और आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो शांता जी को 10 में से 10 नंबर ही देना चाहेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में हमने बहुत ज़्यादा प्रगति देखी यहाँ पर। और नेक्स्ट टाइम में किसको सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? नेक्स्ट टाइम तो अभी क्या बोलूँ मैं, आपको शांता जी को ही देखना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सतीश ठाकुर है। आप कहाँ से हैं? मैं डिफरपट पालमपुर से हूँ। हमारे जो सांसद हैं शांता कुमार जी, उनका 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उनके शासनकाल में तकरीबन उन्नति के काम जो हैं, स्कूल सड़क, इसके लिए पैसे देना या कुछ और चीज़ें जो हैं शिक्षा से संबंधित, या सरकार में जहाँ भी कहीं कमियाँ रहती हैं उनको उजागर करना, तो उनका ये एक विशेष योगदान रहा इसमें। और वो एक निर्भीक, निडर और निष्पक्ष नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, संसद में भी और संसद के बाहर भी। हमारे वो एज मुख्यमंत्री भी रहे तो भी उनका नाम जो है वो पानी वाले शांता के नाम से मशहूर रहा है, जबकि सारा हिमाचल के गाँव पानी के लिए तरसते थे, तो उन्होंने पानी की स्कीमें गांव-गांव में पहुंचा करके लोगों को पानी पहुंचाया था। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इनको 10 में से तकरीबन 9 नंबर के हकदार तो ये बनते ही हैं, तकरीबन 9 नंबर तो मैं दूंगा ही। और अगली बारी आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहोगे? अब केंद्रीय सरकार या जो पार्टी है उनका एक बीच में थोड़ा जैसा उम्र का एक प्रतिबंध लगाया हुआ है, या उम्र का एक बैन बार लगाई हुई है, अगर वो बार पार्टी नहीं लेती है तो हम तो चाहते हैं कि ये फिर कंटिन्यू करें, क्योंकि कम से कम भ्रष्टाचार का तो कोई इनके ऊपर मामला नहीं बनता है, जबकि दूसरे कई हैं जिनका फंड का ही पता नहीं चलता वो कहाँ खर्च करते हैं और क्या होता है। और इनका ये है भी जो भी किसी को ये अपने सांसद निधि से पैसे देते हैं तो दूसरे दिन अखबार में आ जाता है कि शांता जी ने इतना पैसा स्कूल को दिया, इतना गोसदन को दिया, इतना अस्पताल को दिया, इतना कहाँ दिया, तो ये सारी बातें जो हैं वो इनकी बिल्कुल पारदर्शी हैं, जिसमें किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए इनका मतलब हम चाहेंगे कि अगर उम्र का तकाजा ना बने तो फिर ये ऐसा सांसद रहें तो कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं। मेरा नाम है सुमति शर्मा, आप कहाँ से हैं? पालनपुर से हूँ, बच्चों का नाम है हम लोग ना। और हमारे जो सांसद जी हैं उनका कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा है? बहुत अच्छा। और आप 10 में से कितना नंबर देना? 9.9। और नेक्स्ट टाइम आप किसको सांसद? शांता जी को। और उनकी स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट देते, बाकी तो संभव ना। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? पालनपुर से। हमारे जो सांसद जी हैं शांता कुमार, चंबा कांगड़ा के, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? उनका 5 साल का कार्यकाल, 4 साल का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। उसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सांसद जो भी काम करता है वो देश की जो नीति है उन पर चलते हैं। तो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने हर गाँव हर घर में एक अलख जगाया, चाहे वो कल का योग था, चाहे वो देश का विकास था, चाहे वो
राष्ट्र की उन्नति थी, प्रगति थी, उसने हर घर में प्रकृति के लिए वो गए हैं। और माननीय शांता जी ने भी काम किया है। आप देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 5 साल कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उसमें ना तो चंबा के सीमेंट प्लांट की बात हुई, कोई बात नहीं की उन्होंने, ना ही यहाँ पे एक रजू मार्ग बना उसकी बात की। शांता जी प्रयत्न कर रहे हैं कि चुनाव से पहले पहले 2009 के चुनाव से पहले पहले हम चंबा के सीमेंट प्लांट की बात भी करेंगे, उसका भी उसका शिलान्यास करेंगे और रजू मार्ग का शिलान्यास करेंगे, ताकि विकास के जो ये हमारा पर्यटन है, पर्यटन के साथ विकास जुड़ा हुआ है, तो पालनपुर में जो पर्यटन का विकास होगा उसके लिए माननीय शांता कुमार जी बहुत चिंतित हैं, गंभीर हैं और बहुत काम कर रहे हैं। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा। और नेक्स्ट टाइम आप किसको सांसद के रूप में देंगे? वो तो पार्टी का फैसला होगा, जो भी पार्टी देगी, जो पार्टी तय करेगी किसको मिलना चाहिए टिकट, कार्यकर्ता पार्टी के उसके साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, ये तय करना हमारा काम है। चंबा लोकसभा सांसद के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आइए आज आम जनता से जानते हैं कि उनका सांसद जी का 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा। तो आज हमारे बीच स्थानीय जनता जुड़ी हुई है, तो उनसे जानते हैं। सर हिमंत लखत में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम सर? देवेंद्र मिर्या। और सर 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा सांसद शांता कुमार जी का? सांसद शांता कुमार जी का 4 साल का कार्यकाल झारखंड के ऊपर तो ठीक ही रहा, लेकिन बेरोजगार की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी वायदे करते हैं कि हम बेरोजगारी नहीं होने देंगे, पैदा नहीं होने देंगे, इनको इसको जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक जितना इन्होंने अपना कार्यकाल बिताया है राजनीति में, तो उस समय से लेकर आज दिन तक इनके हिसाब से भी देखा जाए या अन्य राजनीतिक सदस्यों के हिसाब से देखा जाए, तो ये बेरोजगारी की समस्या जो खत्म नहीं कर पाए, बल्कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सर जैसे 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते हैं? इस साल में आपको 4 नंबर ही मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। सर जैसे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं कुछ महीनों के बाद, तो आप किस तरह से देखते हैं अगला नेता कौन कैसा रहे? वो तो सारी जनता ही इसका तय करेगी कि आने वाला कौन विषय में नेता होगा। सर आपका शुभ नाम? विशाल दत्ता। कहाँ से सर? डैम से। सर सांसद जी के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनका 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सर सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे सांसद हैं श्री शांता कुमार जी, वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और जिनकी नीतियाँ आज हमारे देश में कई जगह लागू हैं, और उनकी नीतियों के कारण ही हमारे देश में कई जगह विकास भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन्होंने विकास तो बहुत करवाया है, लेकिन एक बेरोजगारी के मुद्दे में वो थोड़े पीछे हट गए हैं। क्योंकि हमारे राज्य में, अब तो देश की बात नहीं करेंगे क्योंकि राज्य की बात करेंगे, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार जितना भी बेरोजगारी के लिए नौकरियों का नौकरियाँ निकाल रही है, तो उसमें से ज़्यादातर युवा फिर भी बेरोजगार रह जा रहे हैं। और जो जिसका सबसे बड़ा जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, 4 साल तो संसद तो हो चुके हैं, 1 साल बचा हुआ, अब देखना ये कि 1 साल में कितनी नौकरियों का बिटारा सरकार खोलती है। सर 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते हैं? ऐसे तो 10 को तो 10 ही मिलना चाहिए, पर रोजगार के मुद्दे में 1 नंबर काट लिया जाए तो। सर आपका नाम? राकेश मंडा। और सर 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा संसद शांता कुमार जी का? सर बहुत अच्छा। और कितना विकास हुआ? सर काफ़ी विकास हुआ। और सर 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं आप? 10 में से 7। सराय हुआ इलाके में हमारे, और हमारे चुड़ोक पंचायत, डोली पंचायत, और जो भी हमारे कार्य रहा बहुत अच्छा रहा। और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी रोड की, हमारा गमरपुर से लेकर रामसर रोड की बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी और गाड़ियाँ आना जाना बहुत कठिन था। और अब हमारे रोड का काम चला हुआ है और इसमें 11 से 15 करोड़ रुपए का बजट है और काम लगा हुआ है जोरों से। हमारा तो यही था मेन, पानी का, सिंचाई का, और सिंचाई का भी सॉल्व भी है, पीने के पानी की समस्या थी अब वो भी दूर है। और हमारे जो संसद है, हमारे से 6 महीने में, 3 महीने में, साल में
एक बार जब हम भी उनको बुलाते हैं, हमारी समस्या सुनते हैं और जो भी हमारे काम थे वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी है सब्जी की। हमारे इलाके में सब्जी काफ़ी होती है और हमारे को सब्जी लेके या तो पंजाब जाना पड़ता है, हमारे सब्जी मंडी का कोई यहाँ पे वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और पंजाब में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे से 500-500 रुपये एंट्री मांगी जाती है और मजबूरन हमारे को देनी पड़ती है। और वहाँ से जब हमारे को 2500-3000 रुपये किराए पर पंजाब जाना पड़ता है और वहाँ पर अगर हम 500-500 रुपये दो जगह दे दिए 1000 रुपये चला गया। और तेल भी आज के टाइम में महंगाई है और जब हमारे को मतलब बचेगा ना कुछ तो हमारे को पंजाब जाके क्या फ़ायदा, और हमारी सब्जियां तो इस हिसाब से यहीं ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि हमारी समस्या और भी है, स्कूल की समस्या है इस साई चुड़ोग में। हम संसद से अनुरोध करते हैं कि प्लस टू का स्कूल हमारे अनिवार्य है और हमारी लड़कियां जो है 20 किलोमीटर दूर या तनबौल या अपने चुड़ोल में साइंस का जो है अपने कलर में वहाँ जाना पड़ता है। और लड़कियों को बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि इतनी दूर लड़कियों को भेजना आज के टाइम में बहुत ही कठिन है। और इसी के साथ मैं संसद से अनुरोध करूँगा कि हमारा जो भी स्कूल की समस्या है उसको दूर किया जाए। और मोदी जी से मेरा बहुत ही वो है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका 4 साल का जो है अच्छा रहा, क्योंकि हमारे को ऐसा कोई समस्या नहीं आई 4 सालों में। नोटबंदी का हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ़र्क उनको पड़ा होगा जिनके पास काला धन था, हमारे पास ना कोई ब्लैक मनी थी ना हमारे को कोई फ़र्क पड़ा। ठीक है जी, और मोदी को मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहले जो 4 साल पहले ना उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ना उससे इलेक्शन से पहले कुछ टाइम पहले वो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब चलो कुछ ना कुछ कोई काम हो रहा है यहाँ लोहारली में है, उन्होंने मेरा जो सामने पुल है बड़ा उसके लिए पैसा सेंक्शन कराया, इस रोड के लिए सेंक्शन कराया और उन्होंने स्कूल है और साफ सफाई का भी जो भी है उन्होंने वो भी उसमें भी काफ़ी तरक्की कराई। और आगे के लिए ये कहता है जो नवी जनरेशन है जो न्यू है ना उनके लिए जॉब जो है ना वो बहुत अनिवार्य है। जो जॉब अगर मिल जाए जो भी नवी जनरेशन है तो और भी उसमें अच्छा है। और कुछ इंडस्ट्री एरिया है इसमें नहीं लगा, जब अग्निहोत्री ने अपने ही इलाके में जो काम करवाया है, जो हम चाहते हैं कि जेपी के होते हुए जो ग्रेट इलाके में ना कुछ ना कुछ इंडस्ट्री एरिया जो हो रहा है इसमें ज़्यादा तरक्की हो। और कुछ जगह जो ऊपर रोड हैं ऊपर वो बहुत अभी थोड़े ख़राब है क्योंकि इनका सेंटर में सरकार नहीं थी जो पहले। उसके बाद अभी जो स्कूल में भी चलो ठीक है, शिक्षा में भी सारा कुछ ठीक है। अभी जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी मतलब इनका होल्ड है, मोदी जी ने बहुत काम कराए हैं और उन्होंने तो GST जो भी है और उसके बाद नोटबंदी है और है ये बहुत मतलब अच्छा काम किया है इसमें। और पत्थरवाद जो है जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो भी सभी उनको भी थोड़ा मतलब विराम लग रहा है अभी। तो हम तो ये कहते हैं कि फौज मर रही है ना जो कुछ ये वो नहीं मरनी चाहिए, उसके प्रति उनको ना ये गंभीरता से लेना चाहिए। जो पत्थरबाज है ना उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो जो है ना कर बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बार। तो देखो सरकार से भी जो भी सुविधाएं जो फैसिलिटी मिल रही है बिल्कुल अच्छी मिल रही है। सांसद जी भी ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर जी तो कार्य तो सारे अच्छे हो रहे हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनावों में हम यही उम्मीद करते हैं कि भाजपा ही एक बार सरकार में मोदी जी के छत्र छाया में सारा विकास हो। जो हम 70 सालों से देख रहे हैं वैसा विकास नहीं हो पाया पिछले 4 साल से पहले, तो जो 4 साल में हुआ वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन केंद्र सरकार थोड़ा सा सेना के मामले में कश्मीर में थोड़ी सी लेटडाउन है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी को चाहिए कि पत्थरबाज जो है कश्मीर की समस्या को है एक तरफा होकर बिल्कुल सुलझा लें, क्योंकि जो हमारे आर्मी वाले मर रहे हैं वो भी इंसान हैं, हमारे परिवारों में मरे हुए हैं, हम कब तक ये देख सकते हैं। तो बाकी जो कार्य हैं वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार के पूरी तरह जो विकास का जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही है, विपक्ष जो कुछ मर्जी बोलता रहे उसमें हम सहमत हो ही नहीं सकते। मैं खुद दुकानदार हूँ लेकिन मैं केंद्र सरकार की हर एक योजना के साथ खड़ा हूँ।
जो उनके मुद्दे हैं या जो उनके जो भी इंस्ट्रक्शन लगाई गई कुछ भी योजनाएं लाई गई वो बिल्कुल सही है। अपने कश्यप जी, उन्होंने हमारे जो कार्य हमारे कार्यकाल में जब मैं प्रधान था तो उस टाइम के कार्यकाल में जो पिछले वर्ष कम से कम कोई हमारे इलाके में कम से कम कोई 20 करोड़ रुपए का कार्य किया हुआ है। हम उनकी हर बात से सहमत है। एक हमारी कोहू टू नाली सड़क है पक्की 6 करोड़ रुपए की, काली माता के मंदिर के लिए मिलावण के लिए 2 लाख रुपया, लोहरगाड़ टू पिंपरी के लिए 7 करोड़ रुपया, और भी ऐसे कोई लिंक रोड है जिसमें 50,000 जिसमें 30,000 रिपेयर करने के लिए उन्होंने दिया है। हम अपने सांसद से बहुत खुश हैं, नहीं हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत खुश हैं। उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में बहुत कार्य करवाए। बस अपने सांसद जी से कि हमारे एक सब्जी मंडी होना अनिवार्य है सेंटर प्लेस में, कहीं 100 और 60 यानी कि 13 पंचायतों का हमारा जिला परिषद का दायरा है, उन 13 पंचायतों के बीच में कहीं सेंटर प्लेस में सब्जी मंडी होनी चाहिए। और जो हमारी गाड़ियाँ पंजाब में जा रही है उनको तंग किया जा रहा है, सब्जी लेकर जो गाड़ियाँ जा रही है उनको तंग किया जा रहा है, और 500 रुपये एंट्री ली जा रही पुलिस वालों की तरफ से। और इस करके हम चाहते हैं कि यहीं नज़दीक ही हमारे सब्जी मंडी खुले तो ज़्यादा बेनिफिट रहे, ताकि हमारे गाड़ियों वालों को भी समस्या का हल हो सके।